जय जय सियाराम माय यूट्यूब फैमिली और वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। क्योंकि मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि मैं दिया जला रही थी, थोड़ी नहीं ज्यादा 21 दिया जला रही हूँ। और मैं दिवाली जैसा तो नहीं कर रही हूँ, बस मिठाई मंगा ली थी और लड्डू, और बस छोटी सी मैंने वो रंगोली बना ली है और दिया जला लिया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और चलो चलते हैं, हमारे साथ पूजा करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ पूजा करिए चले। और प्लीज, और पूरी दुनिया खुश है राम जी के आगमन में अयोध्या में। मैं अयोध्या तो नहीं जा पाई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने घर में ही दिया जला लेती हूँ। तो फिर कभी सौभाग्य मेरा प्राप्त हुआ तो मैं जरूर जाऊंगी अयोध्या दर्शन करने के लिए। तो नहीं जा पाई हूँ तो घर में ही अपना राम भगवान के लिए दिया अर्पण करती हूँ दिल से। तो आप लोग भी हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और प्लीज, किसके किसके यहाँ दिया जलाए गए और कौन कौन खुश है राम भगवान के मंदिर उद्घाटन के लिए, और कौन अयोध्या राम जी आ रहे हैं, तो कौन कौन खुश है राम जी के लिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा फ्रेंड। और जय जय सिया राम की जय, केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम कीजिए, केसरी के लाल। आप लोग हमारे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में, बातें ही नहीं करेंगे, पूजा भी करनी है, ठीक है? चलो चलते हैं फ्रेंड। मैंने रंगोली बना ली थी दोपहर में, मैंने दोपहर में रंगोली बना ली थी, और अब दिया में तेल भर रही हूँ और रुई रखूँगी बत्ती बना के। और 21 दिया है मैं जला रही हूँ। और आप लोगों ने कितने दिए जलाएं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ इतने कोरे दिए रखे थे, मैंने दिवाली में लिए तो वो बच गए थे, तो वो कोरे दिए रखे थे, तो मैंने कहा लाओ जला देते हैं। और हस्बैंड है नहीं, वो कानपुर गए हुए हैं, ड्यूटी गए हुए थे और वो घर पे थे नहीं, तो मैंने जो भी था घर में सामान उसी से बना लिया था। रंगोली के लिए कलर भी नहीं था, थोड़ा दिवाली का बच गया था, तो मैंने उसी से थोड़ी सी रंगोली बना दी, जय सिया राम लिख दिया था, धनुष बना दिया और झंडा बना दिया। तो बस मैंने, मुझसे जो हुआ फ्रेंड मैंने वो कर दिया है, और जो भी कर रही हूँ मैं अपने दिल से कर रही हूँ। और लड्डू मेरे हस्बैंड लाए हुए थे उस दिन, तो मैंने किसी को दिया नहीं था, मैंने सोचा था कि जब आज कल दिया जलाने हैं, जब 22 जनवरी को जब राम भगवान की स्थापना होगी, तो फिर हम उन्हीं को चढ़ा देंगे लड्डू, तो इसीलिए मैं लड्डू नहीं किसी को दी थी, अब आज के अब प्रसाद चढ़ा दूंगी, उसके बाद सब लोगों को प्रसाद दूंगी इसका, आज से लड्डू खाना स्टार्ट करेंगे। और एक बात बताएं, बूंदी का लड्डू नहीं आता हमारे यहाँ ठंडियों में, वो गुड़ और स्याव नहीं होता, उसका लड्डू आता है, गुड़ का लड्डू आता है हमारे यहाँ। तो बस जो था वो था, जो भी बाकी धूप बत्ती और अगरबत्ती और कपूर जो भी था हमारे घर में, चंदन वगैरह वो सब रखा रहता है पूजा में, तो बस वही सारा मैं कर दिए हूँ। और देखो ये सारा मैं सब कुछ रेडी कर दिया हूँ, यहाँ पे राम जी को विराजमान कर दिया है मैंने। और मेरा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में कर रही हूँ, तो ब्लॉग क्यों ना बना दूँ। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा बाद में ही अभी स्टार्ट कर लिया, वैसे मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए और करती भी हूँ, मॉर्निंग से वैसे स्टार्ट करती हूँ, बट मेरा मन नहीं था कि, बट दिए तो जलाने थे, बट ब्लॉग नहीं बनाने का मन था, फिर मैंने सोचा लाओ बना ही लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेली हूँ और मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मुझे बहुत परेशान भी करती है और डर लगता है, तो ठंडी का टाइम है तो उसको अकेले ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो वो गिर जाएगी, तो मैंने चारपाई में उसको बैठा रखा, वो बार बार मुझे परेशान कर रही है कि मम्मा ऐसे वैसे, अब तो थोड़ा बहुत बोलने लगी है, तो थोड़ा बहुत बोलने लगी है तो बोल देती है। और मैंने थोड़ा देखो लुक साड़ी बिल्कुल भी ऐसी मैं लग रही हूँ ना पुजारिन, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। ये मेरे पास मेरी साड़ी रखी थी, ये मेरी मम्मी मेरे लिए साड़ी लाई थी जब मेरा बिट्टू हुआ था मॉल में, तो ये साड़ी और ये ब्लाउज मेरे भाभी ने बनाया था। और तो फ्रेंड मैं पूजा कर रही हूँ, और ये देखो मैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा हुई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैं पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड, आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए पूरे ब्लॉग में।
कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। फ्रेंड मैंने कपूर डाला था, रखा था घर पे, वो अच्छा वाला कपूर है, थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया तो बहुत जल रहा है, और तो मेरा बिट्टू भी बहुत परेशान कर रहा है, पूरा धुआं धुआं हो रहा है, और क्या करूं, और वो गर्म भी हो गया, मैं उसको बाहर भी नहीं निकाल सकती, तो बस मैं पूजा कर रही हूँ। देखो मेरा बिट्टू बहुत परेशान करता है फ्रेंड, ऐसे ही बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बिट्टू बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया, बोलो राधे 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 राधे। कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी ये हमने दिए लगा दिए, और ये देखो हमारा रंगोली कितना जल रहा है कपूर, और ये देखो धुआं पूरे रूम में भर गया है, बट इतना गर्म हो गया कि मैं उसको वो नहीं कर सकती हूँ, और मेरा बिट्टू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये लड़की परेशान करती। पूजा हो गई, अब हम पूरा धुआं हो गया, अब हम हमारा बिट्टू दिया रखने चलेगा, चलेगा ना सर जगह सब जगह दिया रखने। ये देखो पूजा हो गई, तुम डर रहे हो पटाखे छूट रहे हैं, तो ये पटाखे से डरती है फ्रेंड, इतनी डरपोक है मेरी लड़की, खा रही थी लड्डू बैठे बैठे पटाखा बजे तो रोने लगी है। और इस लड़की को शैतान को ले लेके घूम रही हूँ, देखो इधर उधर मेरा ऐसे सब पड़ा, सब्जी वब्जी भी लाए थे तो वो सब रखी है, और ये हमारा मंदिर है, इसमें मैंने 5 दिए और 7 बचा दिए थे, मैंने छोड़ दिए थे तो वही है। और फ्रेंड हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें 8 बजे लाइव जाना है, तो अब हम जाएंगे लाइव, और आप लोगों को हमारा ये रंगोली और हमारी पूजा कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसके किसके यहाँ राम मंदिर कौन कौन गया है अयोध्या राम।
कौन कौन गया है फ्रेंड? राम मंदिर अयोध्या गया है दर्शन करने के लिए राम जी के, मैं तो नहीं जा पाई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।